हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मक्का के बाफले और यह है मालवा की एक फेमस डिश। तो आज हम बनाएंगे दो प्रकार के मक्का के बाफले, फ्राइड बाफले और एग पेक। तो चलिए बिना देरी करिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो बाफले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी मक्के का आटा, इसे अच्छे से छान लिया था। आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर डाला है मैंने सोडा 1 टेबल स्पून। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 3-4 टेबल स्पून, आप इसमें ऑयल डाल दीजिए। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। तो अब इसमें हम पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, क्योंकि ये मक्का है तो पानी एब्जॉर्ब करती है, तो इसमें पानी थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ता है। इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी हो चुका है बाफले का। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। तब तक हम अपने दूसरे बाफले की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी मक्के का आटा, उसे छान लिया था। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये दोनों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। इन सभी चीज़ों से मक्का के जो बाफले हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और मक्का थोड़ी सी हैवी होती है तो ये डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सोडा। आप चाहें तो इसकी जगह पापड़ खार का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची और धनिया। हरी मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून मोयन। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में। अब इसमें भी हम पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। देखिए इसमें भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, जैसे मैंने बताया है इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो लीजिए यहाँ हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं, तब तक हमने जो पहले वाला डो बनाया है उसके हम बाफले बना लेते हैं। तो देखिए इसको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ एक बार फिर। अब इसका हम एक पेड़ा लेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा साइज़ का इसे पेड़ा बनाना है इसे हमें, क्योंकि बाफले थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अब इसका एक राउंड शेप कर लूँगी मैं, और देखिए अपने फिंगर की सहायता से उसे थोड़ा सा ऐसा प्रेस कर दीजिए बीच में से। इसी प्रकार मैं बाकी के जो बाफले हैं वो भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो सादा बाफले हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं मसाला वाले बाफले। तो यहाँ पर डो को मैं थोड़ा सा और अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। तो जैसे मैंने बताया है मक्का है तो ये पानी एब्जॉर्ब करती है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ मैं सॉफ्ट करने के लिए डो को। अब उसी प्रकार मैं इन्हें भी बना लूँगी। देखिए एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे इसका भी, इसको राउंड करेंगे और बीच में फिंगर की सहायता से इसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे दोनों बाफले बन चुके हैं। अब इसे मैं बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर पहले से पानी मैंने अच्छे से बॉईल कर रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे बाफले। तो देखिए भगोने में आप पानी उतना ही डालें कि सारे हमारे बाफले अच्छे से डिप हो जाएं। जब आप बाफले बॉईल करें तो गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखें, और जब आप सारे बाफले भगोने में डाल दें तो नाइफ की सहायता से या बेलन की सहायता से थोड़ा सा हिला दे, नीचे जो चिपक जाते हैं बाफले वो थोड़ा सा निकल जाएंगे और अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। देखिए जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो देखिए इस प्रकार से पानी के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब हमारे बाफले अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो 10 से 15 मिनट में ये हमारे बाफले अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए बाफले एकदम ऊपर आने लगे हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब हम बाफलों को एक थाली में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बाफले निकाल लिए हैं, अब इन्हें हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए सारे बाफले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब जो सादा बाफले हैं उन्हें हम बेक कर लेते हैं। तो ये बाटी मेकर को पहले से ही हमें गर्म कर लेना है, 10 मिनट पहले इसे हम गर्म कर लेंगे। फिर इसमें जो सादा बाफले हम रख देते हैं, और आपको इसकी जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो पे रखनी है, और इसे 25-30 मिनट तक ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो देखिए इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब हमारे जो मसाला वाले बाफले हैं उनको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इन्हें मैंने कुछ 4 पीस ऐसे कर लिए बाफले को,
आप चाहें तो इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं या ऑयल में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का यूज़ करा है क्योंकि जो बाफले हैं घी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लूँगी और इन्हें हमें फ्राई करना है जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे टर्न कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे जो बाफले हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे मसाला वाले बाफले रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म खाइए तड़के वाली दाल और लहसुन की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। तो चलिए अब हमारे जो सादा बाफले हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, इन्हें अब पलट दूँगी। तो बीच बीच में आप इस प्रकार से उन्हें पलटते रहिए हर 5 से 10 मिनट में। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो लीजिए हमारे दूसरे बाफले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इनका भी कलर चेंज हो गया है। देखिए ऊपर से गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब मैं यहाँ पे किचन टॉवल लिया है, थोड़े से गर्म है ये। आप हल्के हाथ से मैं इसे प्रेस करूँगी तो देखिए कुछ बीच में से अच्छे से फूट जाएंगे ये। देखिए इस प्रकार से आप करेंगे तो बीच में कहीं आपको गांठ नहीं दिख रही है आपको आटे की, मतलब बहुत अच्छे से ये बन चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर गरम घी लिया है, अब इस घी में मैं इसे डिप कर दूँगी। देखिए मक्का के बाफले हैं तो घी तो बनता ही है, आप कम खाते हैं थोड़ा सा कम लगा लीजिए। तो लीजिए इसको भी आप सर्व करिए तड़के वाली दाल और लहसुन की चटनी के साथ में गर्मा गर्म, और इस सर्दियों में इन्हें इन्जॉय करिए। और यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी।